Hi friends, welcome back to our channel EdTech Sport. Today I am back with a new video. तो चलिए आज के वीडियो शुरू करने से पहले पिछले वीडियो में क्या आप सीखे हम देखते हैं थोड़ा सा। तो पिछले वीडियो में हमने मैग्नीफाइंग इफेक्ट के बारे में सीखे थे, इस तरीके से इमेज बनाए थे हमने। तो आप लोगों को भी अगर सीखना है मैग्नीफाइंग इफेक्ट कैसे यूज़ करते हैं तो मैं इस वीडियो की लिंक आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप सब लोग जाके देखिए और सीखिए मैग्नीफाइंग इफेक्ट कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इसके पहले हम देखते हैं आज क्या सीखने वाले हैं। तो हम आज स्पॉटलाइट इफेक्ट के बारे में सीखने वाले हैं कि स्पॉटलाइट इफेक्ट कैसे होते हैं। इस तरीके का इमेज होता है, मैंने यहाँ दो इमेज तैयार करके रखे हैं पहले से। ये देखिए, ये सेकंड इमेज है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने इसको डिज़ाइन किया। हाफ बॉडी पे ऐसे लाइट इफेक्ट देते हैं। तो चलिए देखते हैं इस तरीके का इमेज कैसे तैयार करते हैं। इसके लिए हमें होम पे आके एक कस्टम साइज ले लेते हैं। तो कस्टम साइज पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक विड्थ और हाइट डालना है पिक्सल में। तो चलिए आज की वीडियो के लिए डिज़ाइनिंग पेज तैयार हुआ है। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले फ़ोटो पे जाना है और फोटो में यहाँ पे हमें सर्च बार पे कोई भी एक ह्यूमन बॉडी लेना है जहाँ पे हम स्पॉट इफेक्ट डालें, जैसे मैन या वोमन। तो अभी सर्च करके देखते हैं। चलिए यहाँ पे अवेलेबल है कुछ, तो मैं ये वाला ले लेते हैं। चलिए तो इस पे हम स्पॉटलाइट इफेक्ट पुट करके देखते हैं। चलिए तो मैंने इसको बड़ा कर लिया हूँ डिज़ाइनिंग के लिए। ये देखिए, तो हमें अभी एलिमेंट्स पे क्लिक करना है और सीधा फ्रेम सेक्शन पे जाना है, ये वाला, और इस पे सी ऑल करिए और इसमें से कोई भी एक फ्रेम हम ले सकते हैं स्पॉटलाइट के लिए। तो मैं सर्कल वाला ले रहा हूँ, ये वाला। तो ये यहाँ पे एडजस्ट करना है आपको, जितने भाग आपको स्पॉटलाइट करना है। ओके, तो इस तरीके से एडजस्ट कीजिए अपने हिसाब से और फिर ये देख सकते हैं, ये वाले फ़ोटो फिर से लेना है और उसके अंदर, उस फ्रेम के अंदर हमें पुट करना है। ओके, तो और फिर इसको यहाँ से एडजस्ट करना है जो फ्रेम के अंदर पुट किया इमेज है, इस तरीके से मैच करना है जो बैकग्राउंड इमेज के साथ। ये देखिए परफेक्टली मैच हो चुका है इसके साथ में। ये हल्का सा, ये देखिए, ये मैच हो चुका है। इस तरीके से आपको मैच करना है परफेक्टली। ये देखिए, ये देखो, ये बड़ा करके दिखाता हूँ, पूरे परफेक्ट मैच हो चुका है। एक बार मैच हो गया इमेज तो डन कीजिए इसको। तो ये जो बैकग्राउंड इमेज है इस पर क्लिक करना है और फिर ये वाला नहीं, जो फ्रेम वाला नहीं करना है, हमें बैकग्राउंड इमेज पे क्लिक करके एडिट इमेज पे जाना है
और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एडजस्ट करके ऑप्शन है, यहाँ पे सी ऑल करना है और यहाँ से ब्राइटनेस को हल्का कम कर दीजिए। ये देखो इस तरीके से कम करना है ब्राइटनेस को, और कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं आप। जो फोटो लिया है आपने उसके हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये प्रिग्नेट भी मैंने थोड़ा सा हल्का सा बढ़ाया, ये शैडो थोड़ा हल्का सा बढ़ा के देखा, तो आपके हिसाब से इसमें एडजस्टमेंट करना है। तो एक बार आपको परफेक्ट एडजस्टमेंट मिल गया और फिर एलिमेंट पे जाना है हमें, फिर से बैक जाना है और यहाँ पे ये जो फ्रेम पे एक इफ़ेक्ट देना है तो हमें नियॉन करके सर्च कर सकते हैं सर्च बार पे, सर्कल के जो साइड में इस तरीके का कुछ डाल सकते हैं। तो ये डालने से अच्छा डबल कलर वाला लेना है, मैं दिखाता हूँ आपको डबल कलर मीन्स मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सी ऑल करके देखिए, यहाँ पे आपको डबल कलर वाला, यहाँ पे नियॉन सर्कल करके ढूंढिए तो आपको यहाँ पे डबल कलर वाला मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे कलर्स चेंज कर सकते, तो ये कलर चेंज करने वाला ही लेना अच्छा रहेगा, ताकि आप जो इमेज लिया है उसके बैकग्राउंड के साथ में मैच कर सकते, तो यही लेना अच्छा रहेगा। ये देखिए तो कैसे ये फोटो की इफेक्ट थोड़ा और अच्छा लगेगा। यहाँ से आप चेंज कर सकते कलर्स जो है, ये देखिए इस तरीके से। यहाँ से भी आप कलर को एडजस्टमेंट कर सकते प्लस साइन से। एडजस्ट हो गया तो एक बार एडजस्ट हो गया तो फिर इमेज तैयार हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके का इमेज तैयार हुआ है स्पॉटलाइट, इसी को ही स्पॉटलाइट इमेज बोलते हैं। तो इसी तरीके का जो इमेज था मैंने पहले आपको दिखाया वीडियो के स्टार्टिंग में, ये भी उसी तरीके का है। ये देखिए ये वाले इमेज में मैंने नियॉन इफेक्ट डाला नहीं हूँ, तो मैं इसमें भी डाल लेता हूँ। तो मैं वो डबल कलर वाला ही सर्कल लेने वाला हूँ इसमें भी। ये देखिए मैंने बोला था इसमें डबल कलर का फायदा ये होता है, देखिए इसके कलर गोल्डन कलर है तो मैं इसको येलोइश और गोल्डन कलर है तो मैं इसी तरीके से उसमें बदल सकते हैं। ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा ये जो है इसको येलो कर दो, फिर यहाँ से ये कलर अपने हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है तो इस तरीके का इमेज है, ये दो मैंने पहले ही बताया था और ये आज तैयार किया हुआ इमेज है। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो के रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय।